प्लस टू के बाद जो एडमिशन के लिए हमारा नीट एग्जाम होता है बेसिकली, जिसको हम अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें हमारा एग्जाम देखना हम आगे के लिए फर्दर डिसाइड करते हैं रैंक अकॉर्डिंग कि हमें एमबीबीएस में जाना है, बीएमएस में जाना है, बीडीएस में जाना है ना। तो इस एग्जाम का 50% पोर्शन जो होता है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से होता है और जो 25% फिजिक्स पार्ट से आता है और 25% आपका केमिस्ट्री पार्ट से आता है। और रही बात जैसे जो पहले के टाइम में ये एग्जाम होता था, तो उस टाइम पे इस एग्जाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक पार्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते थे, उसको क्लियर करने के बाद फिर एक सब्जेक्टिव एग्जाम हमारा होता था, जिसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में वो एग्जाम देना होता था। तो उस समय पे हमारे इसमें फील्ड में सीट्स भी काफी कम थी और एग्जाम भी काफी टफ होता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम को देखते हुए, डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए, अभी इस एग्जाम को ऑल इंडिया लेवल पे एक ही तरह का एग्जाम कर दिया गया है। इसमें आप क्या है, दो पार्ट्स में एग्जाम नहीं होता है, आपका एक मल्टीपल टाइप का एग्जाम होता है और एक ही दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है, जिसमें लगभग आपको 300 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस सारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो ये है, तो इसमें ये है कि पहली बात तो कि लोगों की थोड़ी सी गलत ये है कि हाँ 18-18 घंटे पढ़ना, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है। देखिए मैं ये कहूंगा कि आप 5-6 घंटे भी पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। इसमें ऐसा नहीं है कि डरने की 18 घंटे 20 घंटे, देखिए पढ़ने वालों